इज योर रोल मॉडल इन लाइफ? ये भी कॉमन क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, रोल मॉडल, ये भी बहुत कई बार बच्चे गलती करते हैं. हु इज योर रोल मॉडल इन लाइफ? हाँ, एनीबडी हैज प्रिपेयर्ड क्वेश्चन, आंसर क्या दिया सर? श्री एपीजे अब्दुल कलाम इज माय रोल मॉडल. एंड सॉरी सर, सर ऑल्दो दीज टू पीपल ऑल्सो हैव द सम सॉर्ट ऑफ क्वालिटीज पर्सनैलिटीज दे हैव, बट आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स एपीजे अब्दुल कलाम बिकॉज of his few qualities like dedication towards the nation. He was the missile man of India who has built integrated missile development program. He is also sir, aapki awaaz clear nahi aa rahi sir. Main keh raha hu aap ye bol nahi sakte wahan pe. Ab Kalam sahab ki contribution Gandhi ji se upar to nahi hai na. He gave missile but he gave you independence. Samjhe baat meri? Yes, sir. और अगर आप कलाम साहब का देते हो तो मिसाइल बीइंग अ टेक्नोक्रेट दिया उन्होंने, नॉट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, है ना? देखो यही बात है, तभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ. ये अगर आप इंटरव्यू में आप ये बोल पड़ोगे तो डेफिनेटली कंपैरिजन आएंगे, है ना? वो कहेंगे अच्छा नेहरू जी ने क्या किया फिर, इनका मतलब इन्होंने ये इनसे ऊपर हो गया क्या? डेफिनेटली नहीं ना. तो होमी भाभा है, होमी भाभा थे, वो क्यों नहीं है रोल मॉडल फिर आपके? कलाम साहब ही क्यों है? He was doing his job, he was sincere, he dedicated, intelligent, that's okay. वो कहेंगे ऐसे तो बहुत सारे हैं टेक्नोक्रेट, कलाम जैसे साहब जैसे, why he only? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं फिर. इसके लिए हम क्या कहते हैं कि डोंट से, आपके लिए क्या कहना है, रोल मॉडल कौन है आपका? सर आप कहोगे सर ऑल्दो सर आई हैव डिफरेंट पीपल इन माई माइंड वेन इट कम्स टू डिफरेंट क्वालिटीज एंड डिफरेंट टास्क, राइट? तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लिस्ट और से अबाउट अ सिंगल रोल मॉडल. आपको ये कहना है कि सर मैं एक रोल मॉडल चूज नहीं कर सकता, आई हैव सो मेनी डिफरेंट क्वालिटीज हैं जिसके लिए मैं आई एडमायर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल एंड एज सच नो सिंगल पर्सन कैन बी रोल. अगर वो फिर भी कहे नहीं 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 आप एक बताओ सर, इन दैट केस सर आई थिंक माई फादर इज माई रोल मॉडल. अपने पेरेंट्स को रोल मॉडल बना दो, काम खत्म. Because sir, I know him the best. वो कहेंगे कि ऐसे क्यों? Your father क्यों? Because sir, my father, I have seen my father throughout my life, and I know him in and out. So I have seen his sincerity and the dedication towards family as well as his work, and I really want to follow his footsteps while fulfilling my responsibilities. समझे बात? So for me, he is a role model because I know him, and I know him in the best. I may not know about other persons in detail. देखो आप कलाम साहब को कह रहे हो, एक बंदा कलाम साहब को फेवर करेगा, दूसरा नहीं करेगा. आप गांधी जी बोलोगे तो गांधी जी को एक बार कहेंगे नहीं बहुत अच्छे थे, दूसरे कहेंगे नहीं ये गड़बड़ थी. देखते ही हो आप आजकल क्या चलता है. तो लेकिन आपके फादर के बारे में आप ही जानते हो और कोई नहीं जानता. सो योर फादर कैन बी योर रोल मॉडल, योर मदर कैन बी योर रोल मॉडल, है ना? इनको बनाओ नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल और बेस्ट आंसर, ठीक है ना? बिकॉज आप इन्हीं को तो जानते हो, बाकियों को तो आप उनकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज के लिए एडमायर करते हो, रोल मॉडल नहीं है आपके वो, क्योंकि आप जानते हैं. अगर वही क्वेश्चन रिपीट करेंगे, व्हाई योर फादर रोल मॉडल, व्हाई नॉट योर मदर एंड व्हाई नॉट योर ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर? सर माय मदर इज आल्सो एक्सेप्शनल एंड शी हैज ब्रॉट मी अप, राइट? एंड एवरी पर्सन हैज मोर देन वन रोल मॉडल. सो व्हेन इट कम्स टू बैलेंसिंग द वर्क एंड फैमिली लाइफ, तो आई सी फादर इज माय रोल मॉडल. But when it comes to handling the work, home pressures and everything, so in that case, I admire my mother. मैंने तो पहले कह दिया ना कि एक रोल मॉडल तो होता ही नहीं हमारा. लेकिन रोल मॉडल देखिए आप उसी व्यक्ति को बनाते हो जिसके बारे में कुछ आप जानते हो, या रोल मॉडल आप बनाते हो उनको कि जो आप सिर्फ एक पोजीशन को रोल मॉडल बनाते हो कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ, तो सारे सिविल सर्वेंट्स आपके रोल मॉडल हो गए, लेकिन वो कहना नहीं होता, ठीक है बात? तो हमने पहले कह दिया कि सर फॉर डिफरेंट क्वालिटीज डिफरेंट पर्पजेस आई रेफर और एडमायर डिफरेंट पीपल, सो आई कांट थिंक ऑफ अ सिंगल रोल मॉडल एज सच. ये बोलना कहीं गलती से भी मुंह से निकल गया ना कोई पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, वहीं वो मैसेकर कर देंगे, ठीक है ना?
तो ये रोल मॉडल वाला हो गया।